Hey guys, back with another video, and this time with stew bottle flair bartending. Friends, पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था 20 स्टेप्स, और तो आज आपको हम लोग सिखाएंगे 15 स्टेप्स जो पिछले वीडियो से ताल्लुक रखता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक हो रहा है, वहां पर जाके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड को देख सकते हैं। उसको जोड़ते हुए ये डबल बॉटल फ्लेयरिंग है। पिछले वीडियो सिंगल बॉटल था, इस बार डबल बॉटल फ्लेयरिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए पहले हम लोग दिखाएंगे आपको कि कैसे दो बॉटल से फ्लेयरिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले हम लोग आपको 16 स्टेप सिखाएंगे, जो मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है, कैसे लगता है ये मोशन। तो स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्टेप्स। ये जो 15 स्टेप आपको दिखाया, यही हम लोग को करना है। और मोशन से पिछले वीडियोस में जो हमने स्टेप सिखाया था, वो एक बॉटल से शुरू होता है और जाके आप सडनली ये दो बॉटल, यानी सडनली और एक बॉटल आप उठा के उसको जोड़ के एक फ्लेयर मोशन तैयार कर सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, फ्लेयर मोशन को आगे बढ़ाना, और मोनोटोनाइज ना लगे तो आपको जुटते चला जाना है नए नए फ्लेयर ट्रिक्स। तो ये रहा आपका 15 स्टेप। अब ये 15 स्टेप को आपको कैसे करना है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो होगा वो बहुत सिंपल है, 1, 2, 3, 4, दैट्स ऑल। ये चार, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब जैसे ही ये 1, 2, 3, 4 आप कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद आपको क्रॉस कर देना है, हैंड को ऐसे खाली क्रॉस कर देना है। सो 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इट्स लुक्स गुड है ना। अब जैसे ये 8 स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से हाथ में आ रहा है या पकड़ में आ रहा है, तब जाके और जोड़ना है बाकी को। आप 8 के बाद जो 9वां स्टेप है वो ध्यान रखिए, ऐसे करना है। आपको पहले फिर से मैं दिखा देता हूँ, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे हो गया, अब हाथ को ऐसे घुमा के पीछे की तरफ, ये रहा 9, यानी आपका जो 9 नंबर स्टेप है वो होगा यहाँ पर 9, देन 10, ये और एक बार 11, देन 12, ये टू टाइम करना है, 2 टाइम, 9, 10, 11, 12 हो गया। अब 13, आपका हाथ का पोजीशन जब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है 12 में, तब 13, देन 14, कुछ नहीं है, 13 में जैसे आया तो आपको इससे रोटेट करना है 14, एंड देन इसी को फ्लिप करके पीछे ऐसे पकड़ना है, जो लास्ट स्टेप है ये। तो फिर ऐसे आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है और भी स्टेप्स जुड़ते चले जाना है। एक बार स्लो मोशन भी देख लीजिए कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। आगे भी आएंगे ऐसे बहुत सारे फ्लेयर ट्रिक्स के साथ। एक्चुअली एक स्पेशल अनाउंसमेंट का बात मैंने बोला था, तो ये रहा टॉम डायर, द वन द ओनली टॉम डायर। टॉम डायर इज अ मल्टी अवार्ड विनिंग फ्लेयर बार्टेंडर फ्रॉम लंदन, 12 टाइम यूके चैंपियन एंड मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन। Trained thousands of bartenders worldwide, his channel is all about sharing his knowledge to the world. Also, the unofficial ambassador for the Pina Colada and June Bar cocktails. Tom is all about enjoying himself while bartending. Go check out his channel to learn something amazing flair tricks you can use behind the bar. Also check out every Thursday, he has a special video for the beginners who love to do flair bartending.
guys, my name is Tom Dyer. I just want to say very quick, thank you very much for watching this video. If you haven't done so already, please click subscribe to Cocktails India. And also come and check out my channel. There's a link in the description below. Teaching loads of different flair moves and other cocktails and that. So thank you once again for watching. Hit the like button if you like this video. And until next time, I'll see you then. Thank you so much. Thank you so much for watching this video. Aayenge naye flair tricks ke saath. Tab tak ke liye practice karte rahiye. Bye bye and take care.